हेलो दोस्तों, आज हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है वो चला जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम चला जाएगा हमारा, उसके पिता का नाम चला जाएगा सुदोदन, और ये शाक्य वंश से था। माता का नाम माया, महामाया। जन्म के सातवें दिन ही गौतम बुद्ध की माता का देहांत हो गया था। तो इसका जो पालन पोषण किया था वो क्या था, इसकी मौसी थी गौतमी प्रजापति। इसके द्वारा इसका पालन पोषण किया गया। अगर हम बात करें कि जो सुशोधन था ये शाक्य वंश से रिलेटेड था, महामाया ये कोलीय वंश से रिलेटेड थी। इसकी माता कोलीय वंश से रिलेटेड थी, कोलीय वंश से संबंधित थी या कोलीय वंश से बिलोंग करती है। तो जब इसका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म हुआ था वैशाख की पूर्णिमा को, तो इसके जन्म के समय इसकी भविष्यवाणी की गई। भविष्यवाणी करता व्यक्ति का नाम था आसुत। इसने भविष्यवाणी की कि अगर ये राजा बनेगा तो इस जैसा कोई महान राजा नहीं होगा, अगर सन्यासी बना तो इस जैसा कोई महान सन्यासी नहीं होगा। तो इस भविष्यवाणी को लेकर जो इसका पिताजी था वो बहुत ही चिंतित हुआ। तो उन्होंने 16 साल की उम्र में गौतम बुद्ध की शादी कर दी, सिद्धार्थ की शादी कर दी यशोधरा के साथ, और इनका एक पुत्र हुआ राहुल। राहुल पुत्र हुआ। एक दिन राजा सैर के लिए निकला और उन्होंने चार दृश्य देखे। उन्होंने पहला दृश्य एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, सारथी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि हर इंसान को वृद्ध होना है, बूढ़ा होना है, ये तो संसार की रीत है। फिर उन्होंने रोगी व्यक्ति को देखा, फिर एक शव यात्रा को देखा,
और अंत में एक साधु को देखा उन्होंने। तो सारथी ने बार बार इन क्वेश्चनों के प्रश्नों के उत्तर दिए कि ये बीमारी से ग्रस्त है। फिर सब यात्रा को देखा तो सभी व्यक्ति शोक मना रहे थे, तो उन्होंने बोला कि ये संसार की रीति है, एक दिन तो सभी को मरना है। फिर एक साधु को देखा तो साधु अपनी मस्ती से गा रहा था, उसको ना भविष्य की चिंता थी ना वो प्रेजेंट में जी रहा था, खुश था वो। तो इससे क्या हो गया, राजा का मन विचलित हो गया और 29 साल की उम्र में आधी रात के समय घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। महात्मा बुद्ध 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और इस घर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण बोला गया। घर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोला गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो उन्होंने एक कठोर तपस्या की तो वो दो गुरु बनाए, एक का नाम था अलार कलाम और दूसरे का नाम था रुद्रक। इनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा ग्रहण की और 6 साल उन्होंने कठोर तपस्या की। तो वो तपस्या से विचलित हो गया, उसको ऐसा लगा नहीं कि तपस्या से कुछ हासिल होगा। तो उन्होंने सुजाता नाम की कन्या से दूध ग्रहण कर तपस्या भंग की। तो फिर वो इसके आठ दिन बाद उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। विशाख की पूर्णिमा थी, गया जो बाद में बोध गया के नाम से कहलाया जगह। तो आठ दिन के बाद वैशाख की पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल का वृक्ष वृक्ष के नीचे, अगर नदी की बात करेंगे तो निरंजना, फल्गु या पीली नदी। जगह चली जाएगी गया, जिसको बोध गया के नाम से जाना जाता है, ये स्थान चला जाएगा। तो यहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने पहला जहां पे उपदेश दिया वो जगह थी सारनाथ। सारनाथ जगह थी, वहां पे इन्होंने पहला उपदेश दिया। तो पहले उपदेश देने को धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाएगा। इन्होंने 5 साधुओं को ज्ञान दिया और जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए। पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिए। तो इस तरीके से इन्होंने ये चीज की कि यहाँ पे
आठवें दिन वैसाख की पूर्णिमा को बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना फल्गु या पीली नदी के नीचे इसको ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया और ये सारनाथ यूपी में है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और पहले उपदेश देने की प्रक्रिया को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने बताया कि सभी दुखों का कारण संसार है, इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं। इच्छाओं को कम करके दुखों का निवारण किया जा सकता है। हमारे को इच्छाएं नियंत्रित करने पड़ेगी, तभी दुखों का निवारण हो सकता है। तो फिर उन्होंने इसके लिए अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया कि आप इन आठ रास्तों पर चल के अपने दुखों को दूर कर सकते हो, जिसमें सम्यक कर्म चला जाएगा, सम्यक व्यानी चली जाएगी, सम्यक ज्ञान चला जाएगा, सम्यक कर्म चला जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया। फिर जो बोध था, महात्मा बोध था, उन्होंने किन किन चीजों का पक्ष लिया, तो किस किस चीज के फेवर में थे, वो पुनर्जन्म को मानते थे। कर्मवाद में विश्वास करते थे कि मनुष्य अपने कर्मों से छोटा या बड़ा होता है, मनुष्य अपने कर्मों से छोटा या बड़ा होता है। पुनर्जन्म में विश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे कि मनुष्य की जब तक इच्छाएं पूरी नहीं होगी वो बार बार इस संसार में जन्म लेता रहेगा, ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वैदिक ग्रंथों और संस्कृत में विश्वास नहीं करते थे, वेदों व संस्कृत। जातिवाद में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वो वेदों और संस्कृत को नहीं मानते थे। वो बोलते थे कि संस्कृत और वेदों को पढ़ के ही ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस वजह से उन्होंने अपनी लोकल जो भाषा थी पाली, उस भाषा में उपदेश दिए ताकि हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो सके। जातिवाद, वो जातिवाद में विश्वास नहीं करते थे, अहिंसा में विश्वास करते थे। अहिंसा में विश्वास करते थे कि वो सभी को जीने का अधिकार है, किसी को ना मारा जाए। तो इस तरीके से जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने ये उपदेश दिए और इन चीज़ों को लेकर वो इस दुनिया में फेमस हुए। तो ये थे हमारे दोस्तों मेन बातें जो एनसीईआरटी 6 क्लास में दी गई है। अगर हम बात करें कि 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में इसकी मृत्यु हो गई थी और इसको बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण बोला गया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।